भाइयों और बहनों, एक साथ लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ ही आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज की धरती से अमीनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है कि कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ अब तक प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक एक आवास प्राप्त हुआ है उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। पहले के 76 आवास है लेकिन इसके पीछे एक पवित्र भाव है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं, ये अपने आप एक मैसेज है। और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है, ये तीर्थों की भूमि है, प्रयागराज तीर्थ है, ये हमारा सौभाग्य है। 2019 के प्रयागराज कुंभ के ठीक पूर्व हम लोगों ने इसका नामकरण एक बार फिर से इसका पौराणिक नाम प्रयागराज रख करके और स्मृतियों को ताजा करने का कार्य किया। ये कार्यक्रम जहां आगे बढ़े वहीं साथ ही साथ प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की संस्कृति की धारा के साथ साथ शिक्षा और न्याय की धरती भी प्रयागराज रही है। और आज जब प्रदेश भर के सभी विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर सभी विकास प्राधिकरणों से कहूंगा वे भी अपनी माध्यमों से छुड़ाई गई जमीनों पर ऐसे ही गरीबों के लिए आशियाना बनाकर देखो का आयोजन माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवा करके उन गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे तो यह लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा करेगा। ये सुशासन की वह शुरुआत है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले देश के अंदर रखी थी। उत्तर प्रदेश में जिसे हम लोगों ने 9 वर्षों से निरंतर प्रयास करते करते विगत 6 वर्षों के अंदर उसका एक भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया है और अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिला है।